अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आसान इलाज और मैं हूं ज़ाहिर। मोहतरम नाज़रीन, आजकल हमारा लाइफस्टाइल जो है वो बहुत हद तक तब्दील हो चुका है। पुराने वक्तों में लोग सादा गज़ा खाते थे, गंदम की रोटी जो थी वो हाथ की चक्की से पीसे हुए आटे की बना करती थी और बगैर छाने हुए लोग रोटी पका के खा लिया करते थे। इस तरह गंदम में बाजरा, ज्वार, जौ वगैरह भी पीस लेते थे। लेकिन आज फाइन आटा जो है उसने हमारे मेदों का सर्वनाश कर दिया। पानी का कम इस्तेमाल, ज़्यादा खाकर बैठे रहना, इससे कब्ज़ जो है ना वो हमारे मुकद्दर में पेश आ जाती है। कब्ज़ की वजह से इंसान के सर में दर्द, गैस, पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, एक इंसान अच्छा खासा बीमारियों का मजमुआ बन जाता है। बाज़ोकात तो ऐसा महसूस होता है कि इंसान दिल का मरीज बन गया है या दिमागी तोज़न दुरुस्त नहीं रह गया। ये बहुत ही ख़तरनाक रिजल्ट इसके सामने आते हैं। कब्ज़ को दूर करने के लिए बहुत से नुस्खे याद हैं, लेकिन जो मैं आपको बताऊँगा इंशाल्लाह वो एक अमीराना समझ लें कि तबीयत पे कभी भी वो नागवार असरात नहीं छोड़ेगा। ना पेट में कोई ख़राबी पैदा होगी, ना कह आएगी, ना दिल मतली वगैरह होगी, ना बहुत ज़्यादा मोशन आएंगे। बहुत ही बेहतरीन, बड़ी नफास के साथ ये कब्ज़ का खात्मा करेगा। मुख्य चीज़ें हैं, कुछ ज़्यादा चीज़ें भी नहीं हैं। आपने करना है ऐसे कि 200 ग्राम आप गुलकंद ले लें, अच्छी क्वालिटी की, ताज़ी हो, बहुत ज़्यादा पुरानी, सिर्फ अकेली चीनी उसमें बहुत ज़्यादा ना हो, उसमें पत्तियां भी बहुत ज़्यादा हों गुलाब की। 200 ग्राम लेकर अच्छी तरह उसे रगड़ रगड़ कर गोट लें, किसी दौरी वगैरह में, कुंडे में डाल के डंडे से अच्छी तरह उसे गोट लें। 10 ग्राम आपने लेना है सकमोनिया वलैती, जो कि ऊँटनी मार का, उसे खरल में डालकर आहिस्ता आहिस्ता बिल्कुल बारीक पाउडर बना लें। इंतहाई नफीस किस्म का पाउडर बनना चाहिए। उसे उस गोटी गुलकंद में मिलाकर फिर मजीद उसे अच्छी तरह मिक्स कर लें। 10 ग्राम या 10 ml आपने लेना है बादाम का तेल, किसी अच्छी क्वालिटी का, किसी अच्छी कंपनी का लें, क्योंकि अगर 2 नंबर वाला तो फिर उतना रिजल्ट जो है ना वो कम हो जाए, वो भी इसमें शामिल कर दें। और 10 ml आपने कस्ट्रैल इसमें शामिल कर लें। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसे किसी डब्बे वगैरह में बंद करके रख लें। ये आपका बेहतरीन एक ऐसी चीज़ तैयार हो गई है जिसके रिजल्ट, जिसका फ़ायदा आपको उस वक्त पता चलेगा जब आप इसे इस्तेमाल करें। शदीद कब्ज़ में 1 चम्मच छोटा सुबह, दोपहर और शाम दूध के साथ ले लें, फौरी तौर पर कब्ज़ दूर हो जाएगी। मुस्तकिल अगर आपको कब्ज़ है तो आप सुबह और शाम नीम गर्म दूध के साथ खा लिया करें। लेकिन एक बात याद रखें, जब तक आप अपना लाइफस्टाइल, खाने का अंदाज नहीं बदलेंगे तो ये तकालीफ जाती नहीं। फाइबर वाली गज़ाएँ ज़्यादा से ज़्यादा लें, कोशिश करें कि चक्की का आटा मिल जाए तो वो इस्तेमाल करें और बगैर छाने इस्तेमाल करें। आजकल खीरा है, इस तरह टमाटर है और भी हरी मिर्च, शिमला मिर्च, गोभी वगैरह, किन्नो हैं, अमरूद है, इन तमाम चीज़ों को सलाद के तौर पर आप बनाकर प्लेट भर के खाएं, ताकि जितनी भी गलाजत मैदे की दीवारों के साथ, आंतों की दीवारों के साथ चिमटी हुई है वो तमाम के तमाम निकल जाए। कोशिश करें कि सरसों के तेल को अपनी ज़िंदगी का जिस बना लें। देसी घी अगर मैसर नहीं है तो सरसों का तेल, जो वनस्पति घी, चाहे क्वालिटी 1 हो 2 हो या 3rd दर्जे का हो, सब ये ना इंसान की सेहत के लिए इंतहाई ख़तरनाक है। इनसे बचें ताकि अपने आने वाली नस्लों को भी हम महफूज कर सकें। अल्लाह ताला हम सब का अमीर नसर हो, तो अपनी दुआओं में हमें ज़रूर याद रखें, इसे इस्तेमाल करें, इंशाल्लाह बेहतरीन रिजल्ट आपका मुकद्दर होगा। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।